हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजुल रतुड़ी और आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ISO इमेज से आप अपनी विंडोज बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और इसमें मैं आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दिखाता हूँ जिसका नाम है RUFUS। आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा और इसमें आपको रिफ्यूज डाउनलोड फॉर PC आएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको फ्रेंड्स ये ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आप देखिए refuse.ie लिखा है, इसमें आप क्लिक करके आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप नीचे आप देखेंगे या तो आपको यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट और यहाँ से आप refuse 3.20 आप डाउनलोड कर लीजिए। जो आपको यहाँ पर अपडेट दिखेगा वो वाला आप डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको, तो देखिए फ्रेंड नीचे डाउनलोड ये छोटी सी फाइल है 1 MB की, तो ये डाउनलोड हो गई है। और जैसे मैं इसे क्लिक करके ओपन करता हूँ तो फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने इसे पेन ड्राइव लगा रखी है तो ये देखिए मेरे सामने ये पेन ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पेन ड्राइव फ्रेंड मेरे पास बनी हुई है, इसमें खाली है। तो मैं विंडो 10 की पेन ड्राइव बूटेबल बना रहा हूँ। कैसे बनेंगे ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और फ्रेंड्स जब आप रिफ्यूज़ खोलेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें जितनी आपकी पेन ड्राइव होगी इतना यहाँ पर आपको दिखा देगा क्या नाम है और कितने GB की है। यहाँ से आप फ्रेंड्स बूट सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप जहाँ पर आपका ISO इमेज रखी है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ISO इमेज सर्च करता हूँ, जैसे मुझे ये पेन ड्राइव की विंडो डालने पेन ड्राइव विंडो 10 लिखा है मैंने, मैं इसमें क्लिक करके और ओपन करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर ये बूट सेक्शन में आ गई है और ऊपर आपकी पेन ड्राइव शो कर रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पर आप पार्टीशन है इसको जैसे मैं MBR में कर देता हूँ, मेरा MBR में जो मेरा PC है MBR सपोर्ट करता है, तो मैं MBR में क्लिक करके इसको यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, कस्टमाइज विंडोज़ पूछ रहा है, इसको आप ओके कर दीजिए। आपका इसमें डेटा नहीं है ये पूछ रहा है, अगर आपको डेटा है तो इसको पहले रिमूव कर लीजिए डेटा, उसके बाद आप इसको पेन ड्राइव को लगाइए। तो आपको अपना डेटा पहले हटा देना है, फॉर्मेट कर दीजिए और उसके बाद इसको आप यहाँ से ओके करिए। तो फ्रेंड मेन यही, आप अपना पहले पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है वो हटा लें और उसके बाद आप ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ कमांड, ये आप सब तब चलाइए, क्योंकि एक बार इसमें से डेटा उड़ गया तो आपको फिर डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले आप डेटा इसमें से हटा लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, ये अब इसमें पेन ड्राइव में इसमें विंडोज़ लोड हो रही है और उसके बाद आप किसी PC में आप पेन ड्राइव लगा के अपने कंप्यूटर को विंडो 10 या कोई और आपको विंडो 11 डालनी है तो ऐसे आप पेन ड्राइव बूटेबल बना के लगा सकते हैं। तो अभी फ्रेंड जब तक अभी ये पूरा हो रहा है उसके बाद मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊँगा। तो फ्रेंड देखिए, ये पेन ड्राइव मेरी रेडी हो गई है। इसको मैं अब जिस PC में या लैपटॉप में मुझे विंडो 10 डालनी है उसमें मैं USB ड्राइव में लगाऊंगा और जैसे सिस्टम रिस्टार्ट करूंगा ऑटो बूट होके आपकी विंडोज़ 10 इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फ्रेंड्स आप अपने CMOS सेटिंग में जाके आप देख लीजिए कि फर्स्ट बूट USB पेन ड्राइव है कि नहीं है। नहीं है तो आप इसको फर्स्ट बूट USB पेन ड्राइव करके आप दोबारा बूट करेंगे तो ये विंडोज़ 10 ऑटोमेटिक उठा के आपकी PC में विंडोज़ 10 या कोई और 7 या आप 11 डाल रहे हैं तो ऐसे आप बहुत आसानी से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये आप, तो मैं पेन ड्राइव दिखा भी देता हूँ, ये पेन ड्राइव मेरी है तो इसमें देखिए ये पूरी आपकी विंडोज़ डल गई है। तो ऐसे आप भी बहुत आसानी से विंडो 10, 8 या 7 जो आप पेन ड्राइव बूटेबल बनाना चाहते हैं ऐसे आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।